मार्च के उल्लासनगर में जमीन विवाद पर भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने सिंधे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए रात करीब 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पहले उन्हें बहस हुई, तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने महेश पर 6 राउंड फायर किए। 2 गोली महेश को लगी और 2 गोलियां उनके साथी राहुल पाटिल को लगी। थाने में हंगामा मच गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात को पुलिस ने भाजपा विधायक को हिरासत में लिया था। सुबह विधायक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्याणपुर के द्वारली परिसर में मौजूद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इलाके के लोग शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के संपर्क में हैं और 31 जनवरी को भी जमीन विवाद में विधायक गणपत और महेश गायकवाड़ के लोगों के बीच नोकझोंक हुई। इस विवाद के चलते भाजपा विधायक गणपत अपने बेटे वैभव और समर्थकों के साथ उल्लासनगर के हेडलाइन पुलिस थाने शिकायत करने पहुंचे। उधर महेश भी अपने लोगों के साथ थाने पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच इंस्पेक्टर केविन में विवाद हुआ और भाजपा विधायक ने महेश को फायर कर दिया। गणपत गायकवाड़ 1 बार 3 बार से कल्याण ईस्ट से विधायक हैं। पहले 2 बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते, तीसरी बार वो भाजपा से विधायक बने। वहीं महेश गायकवाड़ कल्याणपुर से शिवसेना से नगर सेवक हैं। उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे के बेहद करीब माना जाता है। वहीं गोलीकांड को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र के थाने में? भाजपा का वर्तमान विधायक उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चला रहा है। गोलीबारी की घटना में जिसे गोली लगी वो मुख्यमंत्री का करीबी और नगर सेवक है। मतलब दोनों की पार्टी सत्ता में है तो क्या समझें कि कानून का कोई डर नहीं? और इन लोगों को राज्य के दोनों इंजन की सरकार फेल हो गई है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप ही संज्ञान लीजिए। महाराष्ट्र में थाने जिले के पास उल्लासनगर में जिस प्रकार गोलीबारी हुई है, और गोलीबारी कहीं और नहीं पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है, गोली चलाने वाला कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक गणपत गायकवाड़ है। गोली जिस पर चलाई गई है वो कोई और नहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पूर्व नगर सेवक है। मतलब सोचिए कि हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिसके ऊपर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसको लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। 3 इंजन की सरकार में से दोनों इंजन के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। हमारा राज्य किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या ये जंगल राज समान नहीं है? मतलब हम सवाल पूछें तो आपको परेशानी हो? आपने जीवन में किसी को खुशी देने का कभी काम नहीं किया है, दुख पहुंचाने का काम हमेशा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। सोचिए कि अगर पुलिस स्टेशन में गोलीबारी हो रही हो, वहां मारपीट हो रहा हो, एक दूसरे की हत्या का प्रयास किया जा रहा हो, तो पुलिस स्टेशन के बाहर की क्या स्थिति होगी? विधायक और विधायक से लड़ाई करने वाला पूर्व नगर सेवक, दोनों की पार्टी सत्ता में बैठी है, और गृह मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप देखिए क्या हो रहा है। आप वर्षा बंगले के बेहद करीब, सागर बंगले में रहते हैं, आप मुख्यमंत्री के भी करीब हैं। देखिए कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, कब तक बर्दाश्त किया जाए और क्यों? गणपत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने जो अधिकार उन्हें दिया उसका कहीं से दुरुपयोग ना हो। नियम कायदे सबके लिए एक जैसे हैं। इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी चर्चा की है। वहीं घटना पर उल्लासनगर डीसीपी सुधाकर का कहना है कि गणपत गायकवाड़ को हिरासत में ले लिया गया है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत स्थिर है। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। उनके घर में यह फायरिंग हो रही है विधायक की, और विधायक बोलता है खुलेआम मुख्यमंत्री शिंदे ने मुझे मजबूर किया फायरिंग करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। पर एक विधायक बोल रहा है सत्ताधारी पार्टी का, और ये बोल रहा है अगर मुख्यमंत्री शिंदे रहेंगे पद पर तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों के ही पैदाश होगी। तो पहली बार पुलिस स्टेशन में फायरिंग हुई है इस तरह से देखा गया? आप पुलिस स्टेशन में हुई है, मुझे डर है जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है, एक दिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं।
उनके घर में यह फायरिंग हो रही है एक विधायक की, और विधायक बोलता है खुलेआम तो मुख्यमंत्री शिंदे ने मुझे मजबूर किया फायरिंग करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। पर एक विधायक बोल रहा है सत्ताधारी पार्टी का, और ये बोल रहा है अगर मुख्यमंत्री शिंदे रहेंगे पद पर तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों के ही पैदाश होगी। तो पहली बार पुलिस स्टेशन पर फायरिंग हुई है इस तरह से देखा गया? आप पुलिस स्टेशन में हुई है, मुझे डर है जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है, एक दिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी इस प्रकार के हादसे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।